हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुपेश और आप सभी का दोस्तों स्वागत करते हैं आप ही के अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल फोन के स्लो होने के रीजन के बारे में और उसी के साथ में मोबाइल फोन में स्टोरेज के प्रॉब्लम को लेकर जो प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए दोस्तों, क्योंकि अगर आपने जरा भी वीडियो को स्किप किया तो हो सकता है कुछ आप यहाँ पर मिस कर जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों, हम अगर पहले टिप की बात करें तो वो है हमारा कैच फाइल। तो दोस्तों, कैच फाइल जो है हमारे फोन में काफी ज्यादा जमा हो जाता है और जिसकी वजह से जो है फोन का स्टोरेज भी दोस्तों काफी ज्यादा जो है यहाँ पर यूज होता है। और यह सबसे बड़ा कारण होता है कि अगर आपके फोन में स्टोरेज का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपके फोन में जो है कैच फाइल काफी ज्यादा जमा हो सकती है। तो आप पहले तो इन कैच फाइल को डिलीट कर दीजिए। दोस्तों, अगर हम दूसरे टिप्स की बात करें तो वो है हमारे ब्राउजर के हिस्ट्री, कुकीज और कैच फाइल को डिलीट करना। आप कोई भी ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे होंगे दोस्तों, तो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी बनता है कि आप जो है समय समय के बाद, कुछ समय के बाद जो है आप अपने फोन के किसी भी ब्राउजर को जिसका आप इस्तेमाल ज्यादा करते हैं उसमें आपको जो है कैच फाइल, हिस्ट्री और कुकीज को डिलीट करते रहना है, जिससे कि आपका फोन फास्ट हो जाएगा और उसी के साथ में आपकी जो इंटरनेट स्पीड है जब आप ब्राउजिंग करोगे तो वो भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और उसी के साथ में आपकी स्टोरेज जो है दोस्तों काफी ज्यादा फ्री भी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम तीसरे टिप की। तो तीसरा जो टिप है दोस्तों वो ये है कि अपने फोन में जो है अननेसेसरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल मत करिए। ऐसे एप्लीकेशन को जो है आप यहाँ से अपने फोन से जो अनइंस्टॉल कर ले, जिससे कि आपका फोन का स्टोरेज काफी फ्री हो जाता है और जिससे कि आपके फोन की परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर चौथे टिप्स की। तो चौथे टिप ये है दोस्तों कि आप जो है अपने फोन में अननेसेसरी फोटोज या वीडियोस या फिर कोई भी फाइल को जो है बिल्कुल मत रखिए। आप समय समय पर इसे डिलीट करते रहिएगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है दोस्तों कि कुछ वीडियोज जो है हमें व्हाट्सएप के जरिए आ जाते हैं और वो उन वीडियोज को हम डिलीट करना भूल जाते हैं या फिर हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जो है वो काफी ज्यादा स्टोरेज बन जाती है जिसके वजह से अननेसेसरी आपके वीडियोस और फोटोज जो है उसमें जमा हो जाते हैं, जिससे आपका फोन का स्टोरेज भी दोस्तों काफी ज्यादा भर जाता है। तो ये भी एक टिप है, ये भी आप ध्यान में रखिए दोस्तों। तो जब आपको लगे कि इसकी अब जरूरत नहीं है, इस फोटोज की या इस वीडियो की जरूरत नहीं है या फिर किसी फाइल की जरूरत नहीं है, तो अपने फोन से इसे डिलीट कर दें। तो अगर हम अगली टिप की बात करें तो अगली टिप्स ये है कि आपके फोन में व्हाट्सएप अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो है ऑटो डाउनलोड का सेटिंग होता है। ऑटो डाउनलोड सेटिंग अगर आप ऑफ कर देते हैं दोस्तों, तो इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, अगर आप ऑटो डाउनलोड को ऑन रखते हैं तो हो सकता है कोई वीडियो या कोई फोटो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो जो है दोस्तों ऑटोमेटिकली जो है आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी, वो भी ऑटो डाउनलोड हो जाएगी, आपने उसको क्लिक किए बिना ही जो है आपके फोन में वो ऑटो डाउनलोड हो जाएगी। तो जिसके वजह से आपका फोन का स्टोरेज अननेसेसरी भर जाएगा दोस्तों और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कौन सी वीडियो जो है वो अपने आप यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। तो इसीलिए इस सेटिंग को बंद कर दीजिए दोस्तों। अगर आप इस सेटिंग को नहीं जानते तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसका भी मैं लिंक जो है यहाँ पर आई बटन पे दे दूंगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उस वीडियो पे जाकर देख सकते हैं कि कैसे जो है ऑटो डाउनलोड की सेटिंग को बंद किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका फोन का परफॉर्मेंस जो है काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल या फिर आपको लगता है ये आपके लिए काफी यूजफुल है दोस्तों, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और आप अगर हमारे इस चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।